हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे आटा गूंदना, आटा किस तरह से गूंदा जाता है। मुझे पता है सभी लोगों को आटा गूंदना आता है, मैक्सिमम लोगों को आता है, लेकिन जो घर से दूर रहते हैं, बैचलर्स है या फिर बिगिनर्स है, नई नई शादी हुई है, तो उन लोगों को जो है आटा गूंदने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है आटा ले लिया है, ये गेहूँ का आटा है। तो सबसे पहले हम इस गेहूँ के आटे को मैंने छान के लिया है छन्नी में, तो उसके बाद इसकी हम दो सेक्शन जो है कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जितना एक जन के लिए या फिर दो जन के लिए। तो सबसे पहले मैंने दो सेक्शन इसके डिवाइड कर लिए। पहले एक सेक्शन में हम थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसे हल्का हल्का इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। एक साथ हमें इसमें पानी नहीं डालना, अगर एक साथ आप पानी डालोगे तो आटा जो है बिल्कुल गीला हो जाएगा और गूंदने में दिक्कत आएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे इकट्ठा करना है। पहले मैं एक सेक्शन का जो है आटा इकट्ठा कर लूंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इस तरह से आप बहुत इजीली जो है आटा गूंद सकते हो और बेहद जो है सॉफ्ट मुलायम रोटी परांठा पूरी बना सकते हो। तो ये देखिए, पानी जो हमें यहाँ पे लेना है वो नॉर्मल वाटर लेना है, रूम टेम्परेचर का, ना गर्म लेना है ना बहुत ज़्यादा ठंडा लेना है। और धीरे धीरे करके मैं जो है, जो मैंने सेक्शंस डिवाइड की थी सेकंड सेक्शन में, मैं धीरे धीरे करके उसमें भी पानी हल्का हल्का करके डाल रही हूँ और उसे भी इकट्ठा कर रही हूँ। इस तरह से जो है आटा बहुत इजीली आप गूंद सकते हो। कितना भी आप आटा ले लो, बहुत ज़्यादा 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो बहुत आसानी से ऐसे गूंद जाता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे इकट्ठा करना है। तो ये देखिए, और इसे मैं एक साइड कर लूंगी और बाकी आटे को भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसी तरह से इकट्ठा कर लूंगी। याद रखें पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है एक साथ करके। तो ये देखिए आटा जो है इकट्ठा हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, जितना भी आटा हमने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया था वो सारा एक सार कर लेंगे, मतलब एक इकट्ठा कर लेंगे। और जितना भी इसमें पराती में जो है आटा रह गया है, इसे भी हल्के हाथों से हल्का हल्का पानी करके इसे भी हम जो है इकट्ठा कर लेंगे और इस आटे में ही एड ऑन कर लेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक आटा जो है इकट्ठा कर लिया है और देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। और इसके बाद हमें क्या करना है, हाथ में हम पानी लेंगे और फिंगर्स की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से इस तरह से हम जो है इसे प्रेस कर लेंगे, थोड़े से जो है गड्ढे टाइप बना लेंगे और आटे के नीचे भी हम थोड़ा बहुत पानी जो है छिड़क लेंगे अच्छे से, चारों तरफ हल्का हल्का पानी लेते जाएंगे और इस तरह से हम करेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे मतलब। और इसे जो है ढक के हमें 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो हमने इसमें पानी हल्का हल्का लगाया है ये जो है आटे को सॉफ्ट करेगा, थोड़ा सा फुला देगा और आटा बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब आप क्या करोगे कि हल्का सा जो है हाथ में पानी और ले लीजिए, हल्का सा हाथ गीला कर लीजिए और मुट्ठी की हेल्प से, मुट्ठी बना लीजिए, मुट्ठी की हेल्प से इस तरह से आटे को गूंथ लीजिए। 2 से 3 मिनट हमें इस तरह से करना है। तो आप देख सकते हो आटा ऑलरेडी, मतलब 3 से 4 मिनट रखा था तो सॉफ्ट हो गया था और मुलायम भी हो गया था, पर फिर भी 2 से 3 मिनट हमें और इस तरह से गूंथ लेना है। तो ये देखिए आटा कितना जो है मुलायम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। मैं हल्के हाथों से इसे हल्के हल्के प्रेस कर लूंगी मुट्ठी बना के। ये देखिए
जब आप आटा गूंदते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हाथ धो के अच्छे से आप आटा गूंदे। ये देखिए, आप देख सकते हो, दिख ही रहा होगा आपको कि आटा कितना सॉफ्ट हो गया है, चिकना हो गया है। तो आप ज़रूर इस ट्रिक को अपनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए, हमारा जो आटा है गूंद के तैयार हो गया है और इससे चपाती बहुत ही सॉफ्ट बनती है, फुली फुली बनती है। आप चाहो तो परांठे बना सकते हो, पूरी बना सकते हो। बिगनर्स के लिए ये वीडियो है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।